आपका क्वेश्चन है फाइंड एन इफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज द nth टर्म, ठीक है। नाउ देखो क्या दिया है, 5 1 बाय 2 11 16 1 बाय 2 22 सो ऑन एक्स इज इक्वल टू 550, ठीक है। नाउ अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। नाउ अब आप देखो an क्या है, देखो यहां पर an is x is equal to 550, तो we can write an is equal to 550. a क्या है, देखो फर्स्ट टर्म 5 1 by 2 that means 11 by 2, a is equal to 11 by 2, ठीक है। नाउ और देखो क्या है, d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस a2 minus a1 that is equal to a2 is 11 minus 11 by 2, LCM is 2, तो आपका आ गया 22 minus 11 that is equal to 11 by 2, तो d is 11 by 2. Now substitute this value here, तो देखो आपका क्या रहा है, an is 550 that is equal to a is 11 by 2 plus n minus 1 into 11 by 2, ठीक है। नाउ ये दोनों में देखो व्हाट इज कॉमन, 11 by 2 इज कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 by 2 को कॉमन लिखेंगे और इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस दिस n माइनस 1 और यहां पर आ गया 550। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 550 इंटू 2 बाय 11 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 गेट कैंसल दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। नाउ 11 से कट करो, 50 into 2 is 100, that is your n, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से करना है।